मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम है। मुंबई इंडियंस ने अभी तक 5 बार खिताब अपने नाम किया है। हालांकि मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन आईपीएल 2021 में अच्छा नहीं रहा है। इस सीजन में खेले गए 5 मुकाबलों में से मुंबई इंडियंस अपने 3 मुकाबले हार चुकी है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आने वाले मुकाबलों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए आने वाले मुकाबले काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे अगर मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में जगह बनाना चाहती है। मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच 29 अप्रैल को होगा जो कि दोपहर को शुरू होगा। ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा इस मैच से पहले कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो टीम से बाहर हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में आपको एक नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिल सकती है। कप्तान रोहित शर्मा क्रिस लिन के साथ ओपन कर सकते हैं। अभी तक खेले गए मुकाबलों में क्विंटन डीकॉक को मौका मिला लेकिन उन्होंने बल्ले से अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। क्विंटन डीकॉक की जगह क्रिस लिन को मौका मिलेगा जिन्होंने पहले ही मैच में 49 रनों की पारी खेली थी। वेस्ट इंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कैरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। हर सीजन में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि आईपीएल 2021 में इनके बल्ले से कमाल देखने को नहीं मिला है। ऐसे में कैरन पोलार्ड को कुछ मैचों में आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह नाथन कोल्टर-नाइल को टीम में शामिल किया जा सकता है। नाथन कोल्टर-नाइल एक बेहतरीन तेज गेंदबाज है जो मुंबई इंडियंस की तेज गेंदबाजी को और भी मजबूत कर सकते हैं। स्पिनर जयंत यादव ने पिछले 2 मुकाबले खेले हालांकि उनकी गेंदबाजी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। उन्होंने 2 मुकाबलों में सिर्फ 1 ही विकेट लिया है। जयंत यादव की जगह अनुभवी पीयूष चावला को टीम में मौका दिया जा सकता है। पीयूष चावला इसी साल चेन्नई की टीम से मुंबई की टीम में शामिल हुए हैं। हालांकि इस सीजन में पीयूष चावला को अपने पहले मैच का इंतजार है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। इस टीम ने इस सीजन में अभी तक सिर्फ 1 ही मैच जीता है। अब देखने वाली बात ये होगी मुंबई इंडियंस या फिर राजस्थान रॉयल्स कौन सी टीम किस टीम पर भारी पड़ती है। अगर हम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, क्रिस लिन, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, नाथन कोल्टर-नाइल, पीयूष चावला, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को मौका दिया जा सकता है। आपकी राय में क्या मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स को हरा पाएगी? क्या मुंबई इंडियंस की टीम वापसी करते हुए आईपीएल 2021 का खिताब जीत सकती है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।